जिले के आलोट से सांवरिया जी दर्शन करने जा रहे तीन युवकों की मंगलवार तड़के भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कार में 6 युवक सवार थे, जिसमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना तड़के 3:45 पर नीमच फोर लेन बाईपास पर हुई। जानकारी के अनुसार आलोट के डापटिया गांव से देर रात को सांवरिया जी दर्शन के लिए मारुति अर्टिगा से निकले 6 युवक तड़के करीब 4:45 बजे नीमच के फोर लेन बाईपास से गुजर रहे थे। फोरलेन बाईपास पर चौथखेड़ा फंटे के समीप सामने से आ रहे एक ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क हादसे में कचरूलाल उर्फ बितेश पिता अनोखीलाल पाटीदार, ओम प्रकाश पिता नांगूलाल पाटीदार और नरेंद्र पिता भवन सिंह सभी निवासी डाबडिया तहसील आलोट की मौके पर ही मौत हो गई। शेष 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक का इलाज चल रहा है, जबकि 2 अधिक गंभीर युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। घायलों में धीरज पुत्र राजेश पाटीदार, संजय पुत्र मोहनलाल पाटीदार और शैलेंद्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह है। हादसा हुआ कहाँ पे हुआ था और कहाँ से ये कहाँ जा रहे थे, क्या घटना? ये गांव डाबड़िया के रहने वाले हैं और पास के तालोद के गांव के 2 गांव के बच्चे थे। ये एक भोजन करने जा रहे थे, जिम में गए थे ये थमगुलेटा करके शादी अटेंड करने। वहाँ से हो सकता है इनका मूड हो गया कि हम सामराज जा रहे हैं, ये चौथखड़ा फंटा के यहाँ एक्सीडेंट हो गया इनका। कितने लोगों की डेथ हुई उसमें? 3 लोगों की डेथ हो गई इनमें। बाकी का उपचार कहाँ? बाकी के 2 रेफर करे हैं उदयपुर और एक यहाँ पाटीदार हॉस्पिटल में भर्ती है। लगभग कितने व्यक्ति थे, कहाँ से? 6 लोग थे, डाबड़िया से निकले थे। कौन सी कार से जा रहे थे, क्या घटनाक्रम रहा? इनके कार तो गाँव की थी, एक इंडिका करके आर्टिका गाड़ी थी इनके पास। आपका नाम? मेरा नाम ईश्वरलाल पाटीदार। शहर के धार्मिक स्थलों पर लगाए गए ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक सिस्टम को संचालित करने के लिए पुराने पुलिस कंट्रोल रूम पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित सभी धर्म गुरुओं को लाउडस्पीकर संचालन कैसे किए जाएं, नियम क्या है की जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित एसपी राकेश खाखा और एडीएम राधेश्याम मंडलोई ने साफ तौर पर कहा कि वह लाउडस्पीकर संचालन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत ही करना होगा। जो भी नियमों के विपरीत गया, विभिन्न धाराओं में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु एडीएम ने एक कमेटी भी गठित की है। बैठक की जानकारी देते हुए एएसपी राकेश खाखा ने बताया, इस संदर्भ में मीटिंग रखी गई थी। आज की जो बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, लगातार कहीं ना कहीं से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी साउंड सिस्टम को लेकर। सभी धर्म गुरुओं को यहाँ पर आहूत किया गया था और जिसमें उनसे ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो आदेश था, उस आदेश के तारतम्य में कितने डेसिबल में साउंड का प्रयोग किया जा सकता है, उनके क्या मापदंड होने चाहिए, इस संबंध में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। चूंकि एसडीएम साहब द्वारा इसमें दल भी गठित कर दिया गया है सभी अनुभाग में, तो ये हिदायत दी गई थी कि इसके बाद यदि कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से जो है उन पर अब कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ एक ऐप भी बताया गया है, किस तरह का ऐप? हाँ, ये जिस साउंड को मापक हेतु ऐप भी प्ले स्टोर में उपलब्ध है। यदि आप प्ले स्टोर से उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आप भली भांति ही डेसिबल के बारे में आपको ज्ञात हो सकता है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग के तहत जो है, यदि उनका इस मापदंड के ऊपर यदि कोई पाया जाता है सिस्टम, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो 188 के तहत भी हो सकती है, ध्वनि विस्तारक यंत्र के तहत भी हो सकती है, नियम बहुत सारे हैं। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर लामबंद हुए शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किया। मंगलवार को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शिक्षकों ने अतिथि शिक्षकों को लेकर हुई घोषणाओं के अब तक आदेश जारी नहीं होने पर आक्रोश जताया। अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के आदेश समय रहते जारी किए जाएं, नहीं तो अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचकर उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे।
भैया आप भी थोड़ा सा पीछे हो जाओ। 18 किया गया था लेकिन आज तक उसका 5,000-10,000 दुगना किया गया था लेकिन उनका अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है। दूसरा ये कि हमारे जितने साथी यहाँ काम कर रहे थे उनको भी अभी ट्रांसफर होने के कारण से। अतिथि शिक्षकों ने बताया। क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम धर्मपाल सिंह राठौर है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ जिला उपाध्यक्ष रतलाम जिले से हूँ मैं। और ये ज्ञापन जो आज हम मध्य प्रदेश शासन के नाम दे रहे हैं और अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर, अतिथि शिक्षक की जो समस्या थी उस समस्या के लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 2 सितंबर को भोपाल में जो महासभा आयोजित की गई थी उस महासभा में हमारी कई मांगों का निराकरण करने का उन्होंने फैसला किया था। उसमें हमारी 12 महीने का वेतन जो है वो कर दिया गया था और हमारा जो अनुबंध था वो 12 महीने का कर दिया गया था। बीच में हटाने की प्रोसेस को उन्होंने खत्म कर दिया गया था लेकिन ये सारे घोषणाएं उनकी सिर्फ जो है कागज में सीमित रह गई है और सिर्फ घोषणाओं में सीमित रह गई है। अभी तक जो है नवीन सरकार बनने के बाद में ना तो वो घोषणाएं पूरी हो गई है और किसी भी तरीके से हमारा जो मानदेय बढ़ाया गया था वर्ग 3 वालों का 5,000, वर्ग 2 वालों का 10,000 और वर्ग 1 वालों का जो है वो जो है 18,000 जो किया था इन्होंने वो अभी तक जो है 5 महीने हो गए किसी भी तरीके से हमें 1 रुपया भी वेतन जो है ना दिया गया है। और कई तरीके से शासन ने जो है तुगलक आदेश निकाले, उस आदेशों के तहत कई अतिथि शिक्षक जो है हमारे बाहर हो रहे हैं और बाहर होने की वजह से आज जो है हम बेरोजगार हो गए। लगभग कम से कम 2008 से ये योजना चालू हुई तब से हम नियमित रूप से पढ़ा रहे हैं लेकिन नियमित रूप से पढ़ाने के बाद में हमें कोई सुविधाएं शासन की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई गई है और आज हमारे पास में बेरोजगारी के अलावा कुछ भी नहीं है। और तो हम शासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो है 5 महीने का जो बढ़ा हुआ वेतन वो दिया जाए और हमारे जितने भी अतिथि शिक्षकों को गलत आदेश और गलत नीति के तहत जो निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाए। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए, कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता ना करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मॉर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और NBFC के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी नहीं। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया। क्या है? बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज, 21 कोठारी मार्केट, 2 बत्ती रतलाम। कॉन्टेक्ट नंबर 07-412-35-6268-6263-791851। वक्त के थपेड़ों से गुजर रही 90 बरस की अम्मा का क्या कसूर था जो जीवन के अंतिम समय पर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। खुद का इंदौर में घर था जहां अकेले रहकर जीवन यापन कर रही थी लेकिन वक्त ने ऐसी ठोकर मारी कि रतलाम रेलवे स्टेशन पर आकर बीमार पड़ गई, जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कुछ दिनों से पड़ी थी। इस अम्मा ने अपना नाम सीता दास बताया। वह बताती है इंदौर का मकान कुछ लोगों ने नगर निगम के लोगों के साथ मिलकर बेच दिया और मुझे धक्का देकर निकाल दिया। क्या करती
मुझे बेसहारा कर दिया। रतलाम आ गई लेकिन यहाँ आकर बीमार हो गई। मेरा कोई नहीं है, मैंने शादी नहीं की है। सुनिए वृद्धा की पीड़ा। किसी ने जन अभियान परिषद की सदस्य मेघा क्षोत्रिय को खबर दी तो वह टीम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची। बीमार वृद्ध अम्मा को मेडिकल कॉलेज भेजने की बात की तो कॉलेज प्रबंधन ने मना कर दिया कि बेसहारा लोगों की व्यवस्था सिर्फ इंदौर MY अस्पताल में ही है। लेकिन बीमारी को देखते हुए जिला अस्पताल भेजा गया। वृद्धा को अस्पताल भेजने के लिए सरकार की 108 एम्बुलेंस को सूचना दी लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। फिर GRP और स्टेशन मास्टर ने मदद कर रेलवे की एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल भिजवाया। एक तरफ प्रदेश सरकार वृद्ध जनों को तीर्थ यात्रा करवा रही है, सुशासन की बात कर रही है, लेकिन मैदानी हकीकत तो यह है कि सरकारी प्रशासनिक तंत्र हो या राजनीतिक तंत्र, सब अपने अपने विकास में लगे हैं और मजबूर बेसहारा लोगों के सामने सरकार की तमाम योजनाएं और संसाधन बोने ही साबित हो रहे हैं। जन अभियान परिषद की मेघा क्षोत्री ने बताया। नाम है आपका? मेरा नाम मेघा क्षोत्री है। तुझे आज प्लेटफॉर्म पे आई है, किस लिए आई है, क्या हुआ है? मुझे 8 दिन पहले किसी मेरे स्टूडेंट जो हैं उसके पिताजी ने मुझे खबर की थी कि एक महिला है प्लेटफॉर्म पर, कई समय से अज्ञात रूप से वो घूम रही है और चल फिर नहीं सकती है, वहीं वो लेट बात वगैरह एक ही जगह कर रही हैं। तो हम लोगों से बातचीत होने के बाद में मैंने उनसे बात की, यहाँ आई, उनको मैंने देखा तो हम लोगों को जानकारी हुई। उसके बाद में मैंने MY इंदौर में बात की। पहले मैंने मेडिकल कॉलेज में चर्चा की तो यहाँ पता चला कि अभी वहाँ पे ऐसे केसेस को एडमिट नहीं कर रहे हैं। फिर मेरी सिविल हॉस्पिटल बात हुई, सिविल हॉस्पिटल में बात होने के बाद में वहाँ जानकारी ली, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप एडमिट करवा सकते हैं। मैंने कहा यहाँ से मुझे रेफ़र करवाना है इंदौर, क्योंकि यहाँ अज्ञात लोगों का इतना केयर नहीं हो पाती है। और इंदौर में जो MY हॉस्पिटल के अंदर सहारा वार्ड है, वहाँ पर जो अज्ञात लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, वहाँ उनकी सेवा की जाती है। और अगर वो स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ होने के बाद में उन सभी को हम लोग मतलब उनके परिवार का पता लगाते हैं, उनका एड्रेस पूछते हैं, उनके परिवार का पता लगाने के बाद उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। अभी आपने अम्मा जी को कहाँ पहुँचाया, कैसे पहुँचाया, किस तरीके आपको भी समस्या का संकट? हम करीब यहाँ पर 2 बजे पहुँच चुके थे स्टेशन पे और 2 बजे से मैं 108 को फ़ोन लगा रही हूँ। करीब मैंने 5 बार फ़ोन लगा दिया, स्टेशन मास्टर ने भी फ़ोन लगा दिया, GRP थाने से भी फ़ोन लगाया, मैंने भी चर्चा की, लेकिन हमें पॉजिटिव रिजल्ट कहीं से मिल नहीं पाया। किसी ने 108 पे हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा हम पुलिस सहायता को भेज रहे हैं। हमें 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता थी इतने समय में। अगर ये तो पैरों से चल नहीं पाती, लेकिन अगर कोई ऐसी महिला या कोई ऐसा पुरुष होता जो वास्तविकता में ऐसी इमरजेंसी केसेस में होता, जो चल नहीं पाता या कोई ब्लडिंग होता या कोई एक्सीडेंट केस हो जाता, ऐसे समय में अगर वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती 108, तो उसका कोई औचित्य नहीं है 108 एम्बुलेंस का। हम 3 घंटे से यहाँ परेशान हो रहे, 3 घंटे बाद हमने रेलवे की एम्बुलेंस को बुलवाया।